हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं और कोटक बैंक के भी नतीजे आ चुके हैं। दोनों के लिए हम इस वीडियो में रिजल्ट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक को कवर करते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियसली में आपको बता चुका हूँ कि मार्केट को अगर ऊपर जाना रहेगा तो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आने चाहिए। तो फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने क्वार्टर एंड क्वार्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा डेटा बेस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की बात कर दे, ठीक है, रेवेन्यू की सबसे पहले देख लेते हैं। प्रीवियस क्वार्टर से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी तक जितनी बैंक आई है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका माना जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्जिन है ना, इनका काफी अच्छा बढ़ गया है। यहाँ पे आपको -8% दिखेगा, पर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो उससे काफी अच्छा जंप है, जिस कारण से कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप नजर आ रहा है। और आप सभी को पता है, अगर नेट प्रॉफिट में अच्छा जंप आएगा तो आपको ईपीएस में इंक्रीमेंट नजर आएगी। तो एज पर माई व्यू आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर नतीजे अच्छे आए हैं। अभी पता नहीं न्यूज टीवी वाले क्या बता रहे हैं, उनको अनुमान से अच्छे है या नहीं, ठीक है। चार्ट पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस डे में भी बात किया था, आईसीआईसी के लिए वो 950 के सपोर्ट से अच्छा खासा जम कर रहा है, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन को निकाल देते हैं और यहाँ भी सिंपली आपको दो लाइन में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ स्टॉक के लिए कौन सा रेजिस्टेंस के लेवल है। तो रेजिस्टेंस का सबसे पहला लेवल है 1021। स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा बट अभी टिकेगा तो अपने नियरेस्ट ऑल टाइम हाई 1043 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और नीचे के साइड बात करूं 550 और 173, ये दोनों तगड़ा सपोर्ट का काम करें। आरएसआई भी अच्छा खासा स्टॉक को सपोर्ट कर रही है, जिससे 3 दिन से कंटिन्यू स्टॉक ग्रीन में क्लोजिंग कर रहा है। अगर तो मार्केट को भी ये रिजल्ट अच्छे लगे तो ये स्टॉक फ्लाई करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैंने बताया, वापिस से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहला टारगेट रहेगा स्टॉक का ऑल टाइम हाई का, ठीक है। उसके ऊपर स्टॉक टिकता है तो स्टॉक का पीवी पॉइंट के हिसाब से 1088 का लेवल आने वाले समय में ये दो लेवल रह सकते हैं। और नीचे जैसे कि मैंने बताया, एक सपोर्ट है 973 के आसपास, दूसरी सपोर्ट है 950 के आसपास, और तीसरी सपोर्ट रेंज बनेंगी 920 के आसपास, ठीक। अभी कोटक बैंक के नतीजे को चेक कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ये है उसके क्वार्टर रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, न्यूज टीवी में मैंने देखा हुआ था इसका कि उन्होंने बोला कि क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा है, पर एक्चुअली मैं बताऊंगा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसका रीजन ही बताऊंगा। रेवेन्यू की आप बात करेंगे तो रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, पर वही चीज आप मार्जिन में देखें, ठीक है। प्रीवियस क्वार्टर में -14% के आसपास का था, तो इस क्वार्टर में -27 के आसपास है, ठीक जिस कारण से नेट प्रॉफिट 4265 के आसपास आया है। इसका सीधा इफेक्ट आपको ईपीएस में यहाँ पे दिखेगा। तो मेरे अनुमान से एज पर डेटा मुझे ये रिजल्ट अच्छे लगे नहीं है, फिर भी मार्केट में आज कोटक बैंक को अच्छा खासा 2% के आसपास का अपसाइड मोमेंटम दिखाया। अभी वो कौन से बेस पे उन्होंने चलाया हमको नहीं। चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कोटक बैंक। वन डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक के लिए 1720 का अच्छा खासा सपोर्ट, जब तक ये टूटेगा नहीं अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखेगी, ठीक है। ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज, एक अप एंड हैंडल पैटर्न बन रही है, ठीक है। उसको कंप्लीट होने के लिए स्टॉक को मिनिमम 1938 के ऊपर क्लोजिंग देनी, उसके ऊपर स्टॉक टिकता है तब जाके वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करता है, ठीक है। ऊपरी लेवल से एक चैनल भी आ रही है, ठीक है। अगर आपको इस लेवल का वेट नहीं करना 1938 के आसपास, तो इस चैनल का ब्रेकआउट का पॉइंट देख लीजिए। जिस दिन इस चैनल के ऊपर टिकता है, एक रिट्रेसमेंट के साथ कैंडल आती है, तब आप अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं। स्टॉक के लिए नियरेस्ट ऑल टाइम हाई 2065 के आसपास का लेवल है, ठीक है।
और ऑल टाइम हाई वो लेवल है 2254 के आसपास। तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस बनेगा 2065 का, और इसके ऊपर स्टॉक टिकता है तो स्टॉक 2200 से लेके 2250 तक जाने की, ठीक है। और अगर आप देखे तो अगर एक मैं चैनल पूरी डाल दूँ, चलो तो अगर आप निकालते हैं और दूसरी चैनल में यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ स्टॉक, देखिए एक चैनल के अंदर ये भी बना हुआ है, तो हो सकता है ये जो 50 मिनट्स का रिट्रेसमेंट है यहाँ से आज के दिन तो बाउंस बैक हुआ है, अगर इससे गिरता है तो ये चैनल के डाउन साइड जो लाइन नजर आ रही है उसके सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो एनालिसिस हो चुकी है एक साथ, पहली ये कि ये स्टैंडर्ड के ऊपर टिकता है तो अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, दूसरी चीज अगर ये 50% जो आपको यहाँ पे दिख रहे डॉटेड लाइन उससे गिरता है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबिलिटी है इस चैनल में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही डेली और वीकली शेयर और शेयर मार्केट रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहे। थैंक यू।